Barcelona causa más bien expertos United City que salen causa tipo ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो बांग्लादेश में जो योजना को जो लिफ्ट चेंज करने का जो काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये प्रोडक्ट जब हमारा खरीदना हो चुका है, पैकेजिंग का काम चालू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैकेजिंग करके रखा गया है। इसके अंदर आपके ये पीने का पानी, ये ग्लूकोज और सलाइन जो ये पानी के साथ देने के लिए, उसके साथ ही है ड्राई केक और बिस्किट वगैरह और भी है उसके साथ चीड़ा, गुड़ और मूढ़ी, चिवड़ा कहते हैं उसे बंगला में, उसे कहते हैं चिवड़ा और मूढ़ी जो पफ राइस जिसे कहते हैं, उसके साथ रहेगा गुड़ शक्कर के साथ, गुड़ के साथ शक्कर और दूध। ये सब पैकेजिंग के साथ हम लोग शायद आज शाम को या फिर कल सुबह ही पैकेजिंग खत्म होने में भी समय लगा, क्योंकि हजारों बॉक्सेस बनाने पड़ रहे हैं। ये सब रेडी होने के में थोड़ा सा वक्त लग रहा है हमें, तो आज के आज ना होने से भी कल शाम तक, कल सुबह तक या फिर दोपहर तक हम लोग बांदरबन रंग ये नाइकन छोड़ी एरिया में वहाँ पे पहुँच रहे। वहाँ पे लाखों के तादाद में रोहिंग्या वहाँ पे रह रहे, उनके पास सोने नहीं, घर के छत सर सिर के ऊपर कोई छत नहीं है। वहाँ का हालात बहुत बुरा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का जाने का वजह इसलिए है क्योंकि और जो बाकी एरिया में जो कॉक्सेस बाजार के पास जो सब एरिया में ये रोहिंग्यास रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रिलीफ पहुँच चुका है। हमारे यहाँ पे जो बांदरबन नाइकन छोड़ी जो है यहाँ पे तकरीबन 1 लाख के ऊपर रोहिंग्यास है, इनके पास अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं पहुँचा, ना ही कोई सुविधाएं उनको मिली है। इसलिए यूनाइटेड सिख की तरफ से मैं रणवीर बागी ये आप लोगों को जानना ये जानकारी देता हूँ कि यूनाइटेड सिख की पूरी टीम बांग्लादेश में जो काम कर रही है वो अब जाने वाली है नाइकन छोड़ी बांदरबन, जहाँ पे रोहिंग्यास ब्लॉक के ऊपर है जिनको अभी तक कोई सपोर्टेड मिला नहीं है। हमारा पैकेजिंग का काम चल रहा है, ये आप लोगों को वीडियो क्लिप आपको देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। और भी ये बिस्किट वगैरह जो है ये पैकेजिंग का काम चल रहा है। ये केक है खाने के लिए सूखा खाना, पानी वगैरह बहुत सारा है, ये सब पैकेजिंग का काम चल रहा है। इसी के साथ आप लोगों को बांग्लादेश से वीर आप लोगों को हाथ जुड़ने की बेनती करता है, अपना कोऑपरेशन जारी रखिए, रोहिंग्यास की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ गई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।